आज हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कोई भी चीज आप काम करते हो, मान लीजिए कि आपको बड़े होकर डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तब तक आप किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आपको कानपुर जाना है अपने गाँव से, तो आपको ये मालूम होगा अपने गाँव से निकलेंगे, रोड से निकलेंगे, यहाँ जाएंगे, फिर वहां से वहां जाएंगे, इस प्रकार आप कानपुर पहुंच पाओगे। तो जब तक किसी चीज का लक्ष्य निर्धारण नहीं होता है तब तक आप किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो क्या पढ़ना है, आप साल भर क्या पढ़ोगे। आप कक्षा पांच में है, कक्षा चार में है, तो हमको क्या पढ़ाया जाएगा गणित में, हमको क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए ना। तो बारी बारी से हम पढ़ते हैं। कक्षा पांच में क्या है कि हर महीने का विषय का विभाजन है कि हमको कौन से महीने में कौन सी चीज पढ़नी है। जैसे अप्रैल माह में क्या करना है, हमको करोड़ों तक की संख्याओं का ज्ञान होना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख और करोड़। करोड़ों तक की संख्याओं को आप अंकों में और अंकों को शब्दों में लिखना आपको आना चाहिए। ये अप्रैल भर में पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद क्या, पढ़ना, लिखना और समझना। स्थानीय मान, आप स्थानीय मान निकालते हो ना, जैसे इकाई में एक का गुणा, दहाई में दस का गुणा, सैकड़े में सौ का गुणा, हजार में, है ना, इस तरीके से करते रहते हो, तो वो सब आपको स्थानीय मान निकालना आना चाहिए अप्रैल भर में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मई। मई में क्या करना है आपको कि संख्याओं को जोड़ना और घटाना आना चाहिए, सात अंक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जुलाई में क्या होता है, तीन अंक की संख्याओं से गुणा करना आपको आना चाहिए। इसके बाद भाग, पांच अंक की संख्या में तीन अंक की संख्या से भाग देना आपको आना चाहिए। इसके बाद अगस्त में क्या आना चाहिए, महत्तम समापवर्तक और लघुतम समापवर्तक, HCF और LCM। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। ये सब आगे डिटेल में बताएंगे क्या होता है, कैसे इसके सवालों को किया जाता है। इसके बाद सितंबर में आपको भिन्नों का गुणा और भाग आना चाहिए। भिन्ने आपको हमने बताई थी ना, भिन्ने भी हमने बताई थी आपको पिछली बार बताई थी। अंश होता है, हर होता है, ऊपर हर और नीचे हर होता है, ऊपर हर, ऊपर अंश और नीचे हर होता है, सब चीजें बताई थी आपको हमने, वो भिन्ने। इसके बाद क्या, वैदिक विधि से जोड़ना घटाना आना चाहिए। वैदिक विधि क्या होती है कि जैसे मान लीजिए जोड़ का सवाल हो, ऐसे विस्तार करके लिख दिया जाए, तो इकाई के अंकों को इकाई से जोड़ लो, दहाई के अंकों को दहाई से जोड़ लो, फिर उसमें जो हासिल आए, इस तरीके से वैदिक विधि होती है, वो सब हम आगे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। इसके बाद आपका अपने आप को, अपने आप का मतलब ये होता है कि कोई भी काम आप अपने आप से करो। जैसे आपका एग्जाम होता है, एग्जाम में आपको कह दिया जाए कि रोल नंबर भर दिया जाए, OMR का मतलब होता है क्या, छोटे छोटे रेखा होगा उसमें, वो होते हैं गोले गोले होते हैं, आर्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, मतलब उस गोलों में भर दोगे और उसको मशीन में डाल दिया जाता है, तो जिसमें आपने गोला किया होगा वो आपको, मतलब जो कॉपी चेक करेगा उसको पता चल जाएगा कि आपने ए में किया है, बी में किया है, सी में किया है, डी में किया है। तो इस प्रकार से आपको वो भरना आना चाहिए। हम बताएंगे कि बेटा जैसे मान लीजिए आपका आधार नंबर है, तो उस आधार में जो नंबर होते हैं 2, 7, 1, 4, 5, उसको कैसे गोलों में भरना है, ये OMR के माध्यम से भरा जाता है। तो ये आप अपने आप कर सकते हो, सब चीजें होती हैं। इसके बाद आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाएगी। अर्धवार्षिक का मतलब होता है क्या, 6 महीने। भाई एक साल में वार्षिक होता है एक, और अर्धवार्षिक क्या होता है, 6 महीने में दो अर्धवार्षिक मिला के एक वार्षिक होता है ना, इस प्रकार से। अगला अक्टूबर में आपको क्या पढ़ना है, दशमलव संख्याएं। जब आप भाग देते हैं तो दशमलव आता है ना, तो उनको पढ़ना है। इसके बाद कितना सीखा का मतलब है कि आपको सवाल दे दिए जाएंगे और उसमें आपको उन सवालों को हल करना है कि आपने कितना सीखा, हमने जो पढ़ाया आपको उससे संबंधित क्वेश्चन को आप कितना कर लेते हो। इसके बाद एक एक नियम क्या होता है, जैसे कह दिया जाए कि 12 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपए है, तो एक पुस्तक का मूल्य कितना होगा, एक एक नियम, मतलब ज्यादा की दे दे और एक का पूछे, उसे एक एक नियम कहते हैं। अगला नवंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत, मतलब कोई चीज कह दी जाए कि पर 100 में कितने परसेंट है, जैसे हम कह दें इस 100 में 30 कितना परसेंट है, इस तरीके से, है ना। अगला लाभ और हानि,
जब कोई चीज कम में खरीदो ज्यादा में बेचो तो लाभ, और ज्यादा में खरीद के कम में बेचो तो हानि, उससे संबंधित सवाल क्या उसका फार्मूला है, क्या उसका सूत्र है, ये सब पढ़ेंगे। अपने आप चीज कोई दे दी जाएगी उसको भरना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने आपसे कह दिया कि कोई जैसे भी हमने बताया ओएमआर में अंक भर के देखो, है ना, इस तरीके से कोई भी अपने आप से कोई चीज आपसे कराई जाएगी उसको आपको करना होगा। दिसंबर में क्या करोगे, साधारण ब्याज। ब्याज क्या होता है, मान लीजिए आप किसी बैंक से पैसा लेने जाए, मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए लिया एक साल के लिए, तो एक साल में आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा, इसके क्या सूत्र है, कैसे किया जाएगा, ये सब साधारण ब्याज में कितना सीखा। फिर भाई आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, हमको उनको हल करना है। ज्यामिति, त्रिभुज और वृत्त। ज्यामिति में क्या होता है, पटरी प्रकार चांदा से बनाते हो ना, त्रिभुज वृत्त, है ना, इस तरीके से सब चीजें आएंगी उसमें। अगला जनवरी में फिर वही अपने आप और कितना सीखा। इसके बाद आपको क्षेत्रफल पढ़ना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, आयतन, आयतन मतलब वैल्यू, धारिता मतलब कैपेसिटी कितना धारण करती है, इससे संबंधित चीजें आएंगी। इसके बाद फरवरी में क्या पढ़ोगे आप, समय सारणी। जैसे आपने देखा होगा कि स्टेशन जाते हो और कह दिया जाएगा कि ट्रेन इतने सॉरी स्टेशन जाओगे तो ट्रेन कितने बजे आएगी और इतने बजे जाएगी, या बस कितने बजे आएगी इतने बजे जाएगी, उसमें लिखा रहता है ना कि 13:15। तो जितनी भी चीजें हैं समय सारणी को देखना आपको आना चाहिए। अगला, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। कोई भी आंकड़ा दे दिया गया हो और उसको आरेख में दर्शाया गया हो, ऐसे देखा होगा छोटा बड़ा इस तरीके से, उसको कैसे दर्शाया जाता है ये भी पढ़ेंगे हम लोग। और फिर वही अपने आप और कितना सीखा, और उसके बाद मार्च में आपकी परीक्षा हो जाएगी और फिर अप्रैल से नया सेशन चालू हो जाएगा। इस प्रकार हमको सप्ताह पूरे साल भर का पाठ्यक्रम ये दिया गया है, महीने महीने वाइज, है ना, ठीक है, थैंक यू।